नमस्कार मित्रों, आज की सुबह बहुत ही अच्छी ठंड भरी और देखती हूँ आज क्या क्या आपके लिए मैं करती हूँ। घर के सारे काम मैं कर चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ स्कूल, और अब स्कूल भी ज़रूरी है देखना। फ्रेंड्स, चलिए बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ फ्रेंड्स, और आज बच्चों को कर्सिव राइटिंग की मैं भी नॉलेज दे रही हूँ, कैसे कर्सिव राइटिंग लिखी जाती है। फ्रेंड्स, बने रहिएगा आज मेरे साथ ब्लॉग में, बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। थैंक यू। और अब स्कूल की बारी। ये देखिए, कुछ शरारती बच्चे हैं, कागज़ फाड़ के फैलाते हैं और फिर उसी को उठाने के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ बहुत कुछ देखने को मिलती रहती है स्कूल में। और उसके बाद मैंने आज बच्चों को थोड़ा कर्सिव राइटिंग की भी जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज देना ज़रूरी समझी, तो इनको मैं ये सिखा रही हूँ अभी कर्सिव राइटिंग। क्योंकि बेस जो होता है अगर अच्छा होता है तो आगे उन लोगों को दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। और आज मैंने ए, ई और आई का ड्रॉ करके बताया उनको, बच्चों को। और देखिए कुछ वर्क बुक वर्क बच्चों से नहीं बनता ना, तो वो इसी तरह से रेस कर करके कॉपी या बुक फाड़ लेते हैं। उसके बाद जब मैं आई तो मैंने आज सोचा कि चलो आज गुड़ की पपड़ी बनाते हैं। और ये जैसे थोड़ी टाइट हो गई है तो नीचे से गर्म कर दो तो आराम से निकल जाती है। ये पुराने गुड़ की पपड़ी मैंने बनाई, थोड़ी सी मूंगफली भूंज ली थी और उसके बाद इससे मैंने बना ली थी फ्रेंड्स, मूंगफली की पपड़ी। और थोड़ी सी ये खील भी रखी थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी गुड़ के साथ पाक दूँ, और गुड़ के साथ ही देखिए मैंने इसको भी पाक दिया। और लड्डू से इसके बांध दिए थे मैंने। ये देखिए चाशनी इसकी थोड़ी कड़क हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से बंध जाते हैं गुड़ के लड्डू। और ठंड के दिनों में तो गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है, और इस वजह से गुड़ के लिए बहुत व्यंजन गुड़ से बनते हैं। तो आजकल गुड़ के लिए तो पपड़ी है, लाई के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, अभी यही सब चल रहा है सीज़न का। और ये चाशनी लगभग लगभग हो गई थी। ये देखिए चाशनी हो गई है लगभग लगभग, और ये खील मैंने इसमें ऐड कर दी है फ्रेंड्स। थोड़ा सा चलाऊंगी इसमें इसको, थोड़ा सा इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि इसको चला के इस तरीके से एक जैसा कर लूँगी, इसको एक जैसा मैंने कर लिया है। और इसके अब देखिए ये मैंने लड्डू भी बांध लिए थे, बहुत जल्दी है, बहुत आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा चाशनी ठंडी हो जाती है ना तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और फिर जो मैंने स्कूल से आकर के जल्दी खाना भी बनाया, तो खाना में मैंने आज बनाई कढ़ी, सब्जियों की कढ़ी, रोटियाँ और चावल, कढ़ी के साथ चावल का कॉम्बिनेशन तो बनता ही बनता है। और सेम आलू की सब्ज़ी भी मैंने आज बनाई थी फ्रेंड्स। नाश्ते में ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का बना लिया था तो वो वीडियो नहीं बना पाई थी। और उसके बाद आज मुझे शाम को किटी पार्टी में भी जाना था, तो किटी पार्टी में पहुँच गई थी। बहुत ही अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। रेस्टोरेंट से किटी होती है आजकल, तो घर से नहीं होती, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ हॉजी वगैरह खेलते हैं और गेम होते हैं, बस एंजॉय करते हैं हम लोग। मकसद ये रहता है कि दो तीन घंटे महिलाओं के लिए आज़ादी भरा, सुकून भरा एटमॉस्फेयर मिल जाता है हम लोगों को, और खूब हम लोग एंजॉय करते हैं। और हॉजी खेली थी बहुत अच्छे से, खाना वाना खा के और आए थे फ्रेंड्स, बहुत ही रुचि हो गई थी हम लोगों की, इसमें हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सुनो
अच्छे से करो उसके बाद मैं घर आ गई तो थोड़ा कुछ गुनगुनाने का मन हुआ तो ये मैंने थोड़ा सा गाया। एक बहुत ही पुरानी मुझे बचपन की का भजन याद आ गया था तो आज मैंने उसी को गुनगुना लिया। फ्रेंड्स बहुत शौक लगता है मुझे हर चीज़ हर एक्टिविटी करना। आपके अंदर जो भी गुण है आप उसको निखारिए, आप उसको आगे लेकर जाइए। और वास्तव में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी आजादी देता है आपके अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। तो आज मैंने एक भजन छोटा सा प्यारा सा गुनगुनाया फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा फ्रेंड्स। आप मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा और आज के लिए बस इतना।